नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम किसी भी क्लास की मीटिंग की जो है वो सेटिंग को किस तरीके से चेंज करें। तो ये यहाँ पे आप कैलेंडर पे आएंगे, जोन सी क्लास आपने क्रिएट की, अब जैसे मैंने अभी पार्क सर्विस की क्लास क्रिएट की थी तो मैं इसको ओपन करूँगी। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे इसके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस एडिट के ऑप्शन के अंदर जाएं। ठीक हो गया, अच्छा एडिट ऑप्शन के अंदर ये मीटिंग ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इस मीटिंग ऑप्शन को क्लिक करें, ये अदर टैब के अंदर ओपन होता है, तो ज़रा 1-2 मिनट लेता है ये। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं जो है वो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। जब वो ओपन होगा तो फिर मैं आपके सामने उसको चेंज करूँगी। बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं इसके अंदर, ये हाइलाइटर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज हाईलाइट करनी है। ओके आई थिंक सो कि ये यहाँ पे टैब ओपन हो गई है, हो गई है। अच्छा मीटिंग ऑप्शंस में आप देखते हैं हमारे पास मीटिंग जो है वो क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज की क्लास है 4 मई को जो है वो ये होगी 12 से 12:40 तक। ठीक है, मेरे से होगी। ठीक है, मेरा नाम आ गया, सही हो गया। अच्छा अब देखते हैं हु कैन बाई पास द लॉबी। हु कैन बाई पास द लॉबी यानी कि आपकी लॉबी को कौन जो है वो आपकी इजाज़त के बगैर क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे ओनली मी, कि सिर्फ आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अनाउंस व्हेन कॉलर जॉइन और लीव, यस। Who can present? अच्छा who can present में आप देखें सिर्फ only me करेंगे कि सिर्फ आप ही present कर सकते हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। Allow attendees to unmute? No. Allow reactions? No. हम ये नहीं चाहते। ठीक है, announce when caller से ठीक है leave or join। ये announce when caller leave or join का मतलब है कि आपको ये अनाउंस करेगा कि कब आपका कौन सा स्टूडेंट एंटर हुआ, कब आपका कौन सा स्टूडेंट लीव कर गया। ठीक है, तो ये सारी जो है वो जनरल सेटिंग है आपकी मीटिंग की, इसको सेव कर लें। जब तक सेव नहीं करेंगे ये कोई भी सेटिंग सेव नहीं हुई होगी।